बलदेव सिंह गोगामेड हत्याकांड में बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस की एसआईटी और उसके अलावा को मिली है, जिसमें राजस्थान पुलिस की एसआईटी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मिलकर के 5 दिसंबर के बाद में फरार चढ़े दोनों शूटर्स नितिन फौजी और उसके अलावा रोहित कुमार सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ से दोनों आरोपी सेक्टर 22 से कल देर रात को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है और बताया जा रहा है कि दोनों ही शराब ठेके के पास एक जगह पर पकड़े गए और ये चंडीगढ़ में ही एक होटल में भी ठहरने की जानकारी सामने आई। तो नितिन फौजी और रोहित सिंह को लेकर के जयपुर पुलिस अब जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। राजस्थान की जो एसआईटी गठित की गई थी उसमें पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह और उसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर सुनील जांगिड़ की जो टीम थी वो इन दोनों शूटर्स को लेकर के हथियारबंद कमांडोज के साथ में जयपुर के लिए रवाना हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि 5 दिसंबर को जब ये वारदात हुई, सुखदेव सिंह गोगामेड हत्याकांड हुआ, उसके बाद दोनों आरोपी अपने साथी रामवीर जाट की मदद से बाइक लेकर के फरार हुए। ये लोग उसके बाद अजमेर रोड पहुंचे जहां पर नागौर डिपो की बस में बैठ करके हिसार पहुंचे और वहीं से फरारी काटते हुए हिमाचल प्रदेश चले गए, जहां पर कुल्लू मनाली में दोनों शूटर्स ने फरारी काटी और उसके बाद वापस चंडीगढ़ आ गए। और यही लगातार साइबर सेल की मदद से पीछा कर रही पुलिस टीमों ने मिलकर के जिसमें बात कंफर्म हो गई कि दोनों शूटर्स चंडीगढ़ के सेक्टर 22 ए में ठहरे हैं। वहीं पर कल देर रात को राजस्थान की एसआईटी और उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जॉइंट ऑपरेशन करते हुए इस दोनों आरोपियों को पकड़ने में, गिरफ्तारी करने में अहम सफलता हासिल की है। पूरे मामले के मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, उसके अलावा पुलिस कमिश्नर बीजी जॉर्ज जोसफ और एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई कर रहे थे। तीनों की मॉनिटरिंग में ही ये बड़ी जो कार्रवाई वो आज कल देर रात को अंजाम की गई। आज दोनों शूटर्स को जयपुर लाया जाएगा। दोनों आरोपियों के साथ क्या अपडेट है विष्णु? आवाज मिल रही है मेरी? जी विष्णु, दिल्ली से निकल गई ये टीम, आपके पास अपडेट है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, अभी तक यही बताया जा रहा है कि वहां से चंडीगढ़ से और दिल्ली से लेकर के दोनों आरोपियों को लेकर के पुलिस टीम रवाना हो गई है, आज जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर पहुंचने के बाद में एक बार सबसे पहले जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जयपुर कमिश्नरेट के अलावा राजस्थान एसआईटी, ठीक है विष्णु, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनोज राठी संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ है। मनोज, बड़ी अपडेट, दोनों आरोपी गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़े हुए, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और चंडीगढ़ से उनकी गिरफ्तारी की है, क्या रहा था इस ऑपरेशन के दौरान? देखिए बिल्कुल, चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है, चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से। लेकिन ये जो ऑपरेशन था ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है, दिल्ली की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन है, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से ये ऑपरेशन किया गया। और क्योंकि ये शूटर्स का मामला है, गैंगस्टर्स का मामला है, इसीलिए इसमें किसी तरह की कोई और इन्वॉल्वमेंट या किसी तरह से कोई हल्ला नहीं किया गया जो अभी तक जानकारी मिली है। क्योंकि टेक्निकली और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो पता चला था कि एक इनका मददगार और दो शूटर जो मेन उदम, एक नाम बताया जा रहा है रोहित और नितिन फौजी, इन तीनों को काबू किया गया है और इनको लेकर दिल्ली रवाना हो चुके थे, रात को ही दिल्ली रवाना हो चुके थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है राजस्थान पुलिस की तरफ से और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट पीसी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से लगातार सुखदेव की मर्डर के बाद कई चीजें सामने आई थी और कई गैंगस्टर्स एंगल इसमें लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, संपत नेहरा का भी सामने आया था, जिस तरह से पंजाब पुलिस ने पहले भी इंटीमेट करने की बात सामने आई थी, एक लेटर सामने आया था कि किस तरह से एक पूरा मारने का प्लान था। और उसी कड़ी में पुलिस चलते चलते आगे पहुंची और जो ये शूटर है मेन, बताया जा रहा है कि कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं हरियाणा राजस्थान में, और इस पर अब पूरी डिटेल से पीसी की जाएगी, पूरी डिटेल से इसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें यह भी सामने आई है जो पुलिस सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि ये अपना ठिकाना लगातार चेंज कर रहे थे। बिल्कुल, सेक्टर 22 ए बताया जा रहा है जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, वहां के इलाके के बारे में भी बताइए मनोज, और क्या वो होटल जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वहां छिपे बैठे हुए थे दोनों? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सेक्टर 22 अगर हम बात करें, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है चंडीगढ़ का, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, सेक्टर 17 का बस स्टैंड है, उसके बिल्कुल सामने सेक्टर 22 स्टार्ट हो जाता है, मार्केट्स हैं, मोबाइल मार्केट है, गेस्ट हाउस है, होटल्स हैं, और उसके बिल्कुल बैक साइड रिहायशी एरिया है, ज्यादातर वहां पर पीजी रहते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं, स्टडी करने आते हैं, जॉब करने आते हैं, खासकर पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, दिल्ली से,
कई जगह से जो स्टूडेंट्स आते हैं पेइंग गेस्ट वहां पर सबसे ज्यादा है। अब पुलिस, हालांकि चंडीगढ़ पुलिस अधिकारी इस पर अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिली है कि उनको गेस्ट हाउस सेक्टर 22 से उनको उठाया गया है और उसके बाद वहां से सीधा पुलिस लेकर उनको दिल्ली रवाना हो गई थी। हालांकि अब इसमें पुलिस अधिकारी जो चंडीगढ़ पुलिस है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बारे हमें नहीं पता है, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है कि बिल्कुल एक गेस्ट हाउस में वो छुपे हुए थे और 2 से 3 दिन पहले ही वो यहां पर पहुंचे थे। जिस तरह से इनका जो मोडस ऑपरेंडी होता है, इनका किस तरह से एक पूरा लॉजिस्टिक चीजें कोई मुहैया कराता है और एक दो दिन से ज्यादा ये नहीं ठहरते, जिस तरह से पहले भी हमने देखा सिद्धू मूसेवाला मर्डर हो या और भी एक हाई प्रोफाइल मर्डर्स हो, तो शूटर्स की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने ये जरूर पूछताछ में खुलासा किया था कि एक दो दिन से ज्यादा नहीं रुकते, अलग अलग अपने ठिकाने चेंज करते हैं, अलग अलग अपने जगह जो है वो चेंज करते हैं, उनको मुहैया करवाई जाती है, उनको खाने पीने की चीजें, और इसमें भी कुछ इसी तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि लॉजिस्टिक चीजें और भी कई चीजें उनको मुहैया कराई गई और जो उनका मददगार था हालांकि उसको भी पुलिस ने काबू कर लिया है, उससे भी पूछताछ अब की जाएगी कि कहां कहां इनको ठहराया गया, किस तरह से इनको चीजें मुहैया कराई गई, क्या क्या चीजें इनमें गया और इसके बाद इन्वॉल्वमेंट किस किस की रही है, कौन कौन इनसे मिला है, हथियार कहां से आई, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अब लगातार पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये मामला बिल्कुल बड़ा है और किस तरह से पूरी रेकी की गई, किस तरह से पूरा इस वारदात को अंजाम दिया गया, कौन कौन इसमें शामिल बिल्कुल है, एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, वही हमें नजर भी आ रहा है। मनोज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। विष्णु, जानकारी ये भी दीजिएगा क्योंकि इनके पास जो हथियार थे, क्या इन्होंने पहले से ही हथियार कहीं ठिकाने लगा दिए थे, क्योंकि अगर हथियार होते तो शायद ये पुलिस पर वार भी कर सकते थे। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि 9 नवंबर को नितिन फौजी और उसके साथ 5 साथियों ने मिलकर के हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में ही सदर थाना जो पुलिस है और वहीं पे एक पुलिस चौकी है, उनकी जो गाड़ी थी पुलिस की गाड़ी से टकराई। उसके बाद में जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का जब प्रयास किया तो नितिन फौजी और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। तो ऐसे में ये बात बहुत साफ है कि 9 नवंबर को ही नितिन फौजी के पास में अत्याधुनिक हथियार थे, यानी जो पिस्टल थी वो थी, और वहीं पर पिछले 15 दिनों से ये लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड की साजिश नितिन फौजी रच रहा था, एकदम प्लानिंग पुख्ता कर ली गई थी 15 दिन से।